तो दोस्तों, यह है बजाज ऑप्टिमा ऑटो रिक्शा। बजाज की ऑप्टिमा है ये। इसका कैसा है ये गाड़ी का, ये धुआं मार रही है और इसका अभी एक 10-15 दिन या 1 महीना पकड़ लो, इसका काम किया है हमने। मतलब हेड के जो वॉल वगैरह चेंज करवाए थे इसके, फिर भी वैसा हो रहा है। तो अब इसका ब्लॉक चेंज करने वाले हैं हम, और इसके अंदर कुछ और कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है वो सब देखेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बने रहिए वीडियो के अंदर एंड तक, सब बताएंगे आपको हम। तो अब इसको मैं खोल लेता हूँ पहला। अब ये दो एलंकी के नट खोल लेने हैं पहले, और ये बाकी का ये पूरा जो है अपना फाइबर, ये सब खोल लेना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, अब इसके पूरे पैनल भी खोल लिए हैं हमने, और ये चार नट भी खोल लिए हैं, साइलेंसर भी खोल लिया है। अभी हम इसका ढक्कन में निकाल दिए हैं, अब इसका ब्लॉक खोलेंगे। चेन को बनने ये नॉट भी खुलना था पीछे के लिए। चोबड़ी ले लेंगे उठा वो। ये खुल गया पाइप दोस्तों। आज सब खोला कर क्या है? अब ये गाड़ी में प्रॉब्लम क्या था वो बताइए आप। तो दोस्तों, इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये था कि गाड़ी का हमने वाल का काम किया, मगर गाड़ी धुआं मार रही थी, और ये गाड़ी को 6 साल हो गए। 6 साल में अभी तक ब्लॉक पिस्टन इसका हमने बदला नहीं है। 6 साल बाद इसका नया ब्लॉक पिस्टन हम डाल रहे हैं गाड़ी को, नया कंपनी का ब्लॉक पिस्टन डालेंगे पूरा सेट। हेड तो वही बताएंगे पुराने वाला, ये ब्लॉक पिस्टन नया डालेंगे। ये पूरी जोड़ी उड़ गई ब्लॉक पिस्टन के साथ। ये देखो दोस्तों, ये आ गया बाहर, ये पूरा सेट आ गया पूरा बाहर गाइडों के साथ। अभी से पूरा साफ सफाई कर देंगे और इसको फिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरा साफ करके लेंगे यहाँ से, पूरा साफ करके फिट कर देंगे। चलो ओके, आ जाओ बेटा।
ऑप्टिमा कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट प्लस गाड़ी का नया ब्लॉक लाया दोस्तों। अब इसकी अनबॉक्सिंग चालू है, ब्लॉक की है, ये है कंपनी का ब्लॉक की अनबॉक्सिंग। बजाज आरी का है ये, एलपीजी है ये, ये ब्लॉक आया कंपनी से नया। अब ये नए ब्लॉक में और जूने ब्लॉक में कुछ अभी क्या है, डिफरेंट क्या है? नया नया होता है, जूना घिस के खराब हो गया, जूना घिस गया ये पूरा, ये अंदर से घिस गया दोस्तों। देखो ये अंदर दिख रहा है आपको लाइनिंग, देखिए पूरे से लाइन पड़ गया इसको अंदर से। इससे ऑयल खाती है क्या गाड़ी? इससे गाड़ी ऑयल खा रही है, ये 6 साल पुराना है दोस्तों, ये धुआं मार रही है। गाड़ी ले आके 6 साल हो गए तब। तो दोस्तों अब ये नया ब्लॉक डालने वाले हैं हम, अब इसका पिस्टन के बारे में बताएंगे। तो ये पिस्टन की जो रिंग है, ये टॉप की रिंग, हम उसको क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे इधर, इस साइड टॉप में। ये जो मिडिल की रिंग है, जो 2 नंबर वाली है, इसको रख देंगे इस साइड अपोजिट। यानी जो अभी अंदर ये जाएगा ना, ये अंदर ऐसे ऐसे जाएंगे अंदर, तो ये साइड आएंगी, ये साइड आएंगी। और जो नीचे की जो रिंग है, ये वाली साइड आएंगी। क्या मतलब? टॉप रिंग, मिडल रिंग, ऑयल रिंग, ऐसे बिठा देने का दोस्तों, खत्म हो गया इसका फिटिंग ब्लॉक का, इतना ही होता है। लाओ ये देखिए दोस्तों, ये पैकिंग। वही खलास हुआ, मैं तो समझा ये बैठ गई पैकिंग, इतने काम से चुप दुख दुखी रहती थी, चुप चिटकेंगे नहीं, लिखेंगे वो गलती से, वाह जरा भी लिखे, अरे बाप रे, पहले बोला था मैं तो अब सुना नहीं गया नहीं मुझे शक आया मेरे को, और क्या बाद में क्या प्यार सर क्या नहीं प्यार हलते रहते नहीं डाले नहीं नवा नहीं नीचे डालना पड़ता कलर बॉडी दोनों भी नहीं ऊपर का यहाँ से बढ़ता है।
ये देखिए दोस्तों, अभी ब्लॉक लगा दिया है हमने, हेड उसके ऊपर रख दिया है और ये टाइट कर रहे हैं। अब इसकी चेन हम ऊपर से चेंज करेंगे। याद रखो बाद में टाइट करने का। रिक्शा का नंबर नहीं डालते क्या तुम? मैं बोले मेरे दो बच्चे बैंक में चाहिए, बोले परीक्षा पास लगाना पड़ती, बोले कहाँ लगाना पड़ता। नई चेन है, अभी इस चेन को खोल लिया है हमने, ये देखिए। तो क्या करना होता है दोस्तों, अब दिखाता हूँ मैं। ये जो पिन है इसके अंदर, इसको खोल कर वो चेन में अटकाना होता है खाली। ऐसे का तो कपड़ा और रखते हैं। ऐसी कुछ ऐसी बना ली नहीं आपको, ऐसे पिन जैसी कुछ, तो खिले को घस कर वगैरह इसको रख के ऐसे लॉक पे मारना है। ये जो है ऐसे ऐसे मारना है इसको। तो एक मिनट दिखाइए, तो ऐसे निकालना है दोस्तों, ऐसे कर लेना है दोस्तों। देखो न्यूट्रल कर, न्यूट्रल दोस्तों, ऐसे बदलना है इसको, बहुत प्यार से लेना है। गड़बड़ हो गई तो खला, डबल काम हो गया। फिर काट उतारा भी इंजन नहीं खोल के चेन काटे ये जूनी नहीं बोला अल्ट्रेशन काम है। अगर खोले तो खोलो, चेन डालना है ढीली तो डालना तो नहीं तो आवाज मारती खड़ 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 खड़। इधर घास उधर घास करते निकलती, फिर सीधा जाती नीचे सिर भर। बैठी गया मनु बराबर, ये है प्लॉक। ए तू टाइमिंग के लिए सब इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है क्या? पिस्टन टॉप करो ना, पिस्टन टॉप चेक कैसा करने का, ऐसा डाल देने का स्क्रू ड्राइव, ये पिस्टन टॉप पे नहीं है, ये अब टाइमिंग नहीं लगता था गाड़ी को। पिस्टन टॉप पे लेना है पहला। कैसे समझेंगे कि पिस्टन टॉप पे है? पिस्टन टॉप यहाँ से स्क्रू ड्राइव डालेंगे। हाँ, अब पिस्टन को चेक करेंगे, पिस्टन पूरा नीचे है, अब देखिए दोस्तों, टॉप टी का टॉप ये सब सीधा ऊपर होना, इसको ये लेवल पे, ये लेवल पे टी का टॉप होना, पिस्टन टॉप पे होना, या मैग्नेट टॉप पे आता है। अभी इसमें कवर है, कवर नहीं रहा तो फिर इसको निकाल के बाबू पिस्टन टॉप पे रख सकते हो, इंजन काम के टाइम करते हो काम।
अरे बैठ गया टॉप पे। ओके हट लो। हो गया काटो। नट लगा के टाइट कर देना। ओके काटो। आवाज कर रहे अभी देखा हाथ लगा क्या वो तो लूज वॉइस था। कस के लूज हुआ था जब देखा मैं हालांकि आवाज आ रही इसके अंदर आवाज नहीं आनी चाहिए दोस्तों। थोड़ी लाइट आनी चाहिए खाली ज्यादा टक 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 तो नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉक फिटिंग हो गया अपना चैन का टाइमिंग लग गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो।